नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। और फिर से स्वागत है मेरी एक नई रेसिपी में। तो देखिए, आज हम बनाने जा रहे हैं कुंदरू की सब्ज़ी, जो कि सूखी सब्जी हम बनाएंगे। तो हमने ले लिया था आधा किलो कुंदरू, उनको धो करके अच्छे से लंबा लंबा सा काट लिया है। आप चाहें तो इनको गोल भी काट सकते हैं। और 6-7 कली लहसुन की ले लिया था, लहसुन को भी हमने काट लिया है। इधर एक मीडियम साइज़ का प्याज था, उसको लंबा सा पतला पतला सा काट लिया है। और 2-3 हरी मिर्च हैं। तो हम इस रेसिपी को चलिए बनाना शुरू करते हैं। इधर हमने चढ़ा दिया था कढ़ाई, और उसमें डाल देंगे सरसों का तेल। तेल को अच्छे से गर्म हो जाने देंगे। तो तब तक आप लोग अगर चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर कमेंट भी करिए। और आप लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट पढ़ के फ्रेंड्स बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट ऐसे ही करते रहिए। तो देखिए, जैसे हमारा तेल गर्म हो गया था, हमने डाल दिया था आधा चम्मच जीरा, और उसके बाद में जो लहसुन काट के रखा था ना, उसको डाल दिया था। और लहसुन को 1-2 मिनट भून लेंगे अच्छे से। ये देखिए, आप चाहे ना तो पेस्ट भी डाल सकते हैं इसमें, मतलब लहसुन अदरक प्याज का पेस्ट भी डाल सकते हैं। वैसे मैंने अदरक नहीं डाला है इसमें, क्योंकि लहसुन और प्याज को ना हमने काट के लिया है। और ये देखिए, अब लहसुन जैसे ही हमारा भून गया था थोड़ा सा, तो हमने प्याज हरी मिर्च भी डाल दिया है, और इसको चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए, और फ्रेंड्स बहुत अच्छी टेस्टी सी सब्ज़ी बनके तैयार होती है कुंदरू की। तो जैसे ही हमारा प्याज लहसुन पक गया ना, तो हमने इसमें कुंदरू डाल दिया है अपने। मैंने लंबे पीस में काटा है फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो गोल भी काट सकते हैं। और ये सब्ज़ी ना पराठा या पूड़ी के साथ तो बहुत टेस्टी लगती है खाने में। आप चाहें तो इसको सुबह टिफ़िन में भी बना सकते हैं, मतलब बच्चे को जैसे टिफ़िन ले जाना होता है ना, तो तब भी, क्योंकि बहुत मतलब कम समय में पक जाती है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको पकने में। तो बस इसको उलट पलट करते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनके तैयार होती है फ्रेंड्स। तो आप लोग ज़रूर से बनाइए। आप चाहें तो इसमें 1-2 आलू भी डाल करके बना सकते हैं, वो भी बहुत टेस्टी लगती है। पर मैं आलू नहीं डाल रही हूँ, मैं केवल कुंदरू की ही सब्ज़ी बनाऊँगी। और अब इसमें डाल देते हैं मसाले अपने। तो हमने डाल दिया धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, और ये थोड़ा सा गरम मसाला है। मिर्च हमने नहीं डाली फ्रेंड्स, क्योंकि मिर्च हमने हरी वाली काट लिया था पहले ही, तो बहुत तीखी हो जाएगी फिर। और डाल दिया है साथ में नमक, और सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से ना कुंदरू की भुजिया आप कह लें इसको, या सूखी सब्जी, तो बहुत टेस्टी बनके तैयार होती है। और पराठा पूड़ी के साथ तो फिर बहुत ज़्यादा ही टेस्ट बढ़ जाता है इसका, खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो आप लोग ज़रूर से ट्राई करिए। देखिए, हमने मसाले के साथ में ना इसको अच्छे से भून लिया है। ये देखिए बढ़िया से, अब ना इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे फ्रेंड्स। तो उससे क्या होगा ना, कि मतलब जो कुंदरू थोड़ा सा जैसे स्टिकी टाइप के हो जाते हैं ना, तो वो जलेंगे नहीं, और ना चिपके चिपके से बनेंगे, बढ़िया से हमारे कुंदरू बनेंगे। तो इसलिए थोड़ा सा पानी डाला है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है हमें। ये देखिए, जितने में कि हमारे कुंदरू पक जाएँ, बस इतना पानी डालना है। और बस इसको ढक करके हम पकने के लिए छोड़ देंगे। देखिए, बढ़िया से इसको ढक देंगे। तो ये देखिए, थोड़ी देर बाद हम इसको देख लेंगे, फिर से उलट पलट कर देंगे। क्योंकि फ्रेंड, जो हम इस तरह की सब्ज़ी बनाते हैं ना, उसको बीच बीच में चलाना बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो ना क्या होता है कि कई बार जैसे मतलब तेज़ आंच होती है ना, तो ये हमें पता नहीं चलता और सब्ज़ी नीचे से जल जाती है, तो फिर उसका टेस्ट बिल्कुल बेकार हो जाता है। तो इसलिए बीच बीच में आप चलाते ज़रूर रहें सूखी सब्ज़ी जब भी बनाएं। और इसको टेस्ट को बढ़ाने के लिए इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा अमचूर पाउडर, जिससे ना बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा, मतलब हल्का सा खट्टापन आ जाता है इसमें, तो बहुत टेस्टी सब्ज़ी लगती है फ्रेंड्स। तो आप लोग अमचूर पाउडर अगर अभी तक नहीं डाल के बनाए हैं, तो एक बार डाल के देखिएगा, बहुत टेस्टी लगती है सब्ज़ी। और इस तरीके से बनाएंगे ना, तो सब लोग बहुत पसंद करेंगे। तो अमचूर पाउडर डालने के बाद में फिर से इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से। ये देखिए, और फिर से ढक देंगे इसको। तो ये देखिए, लगभग 5 मिनट हो गया था, पानी भी काफ़ी हद तक सूख गया है इसका। तो इसको अच्छे से चला देंगे। ये देखिए, देखिए कुंदरू भी हमारे पक गए हैं, मतलब सॉफ्ट हो गए हैं। और बस इसको ढक देंगे, तो इसका पानी और सूख जाएगा फ्रेंड्स। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ में।